गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज मैं छत पे आई हूँ बहुत दिनों बाद, क्योंकि छत पे कुछ काम था। कॉमन सेंस, बड़े बड़े ड्रम जो होते हैं ना स्टोर करने वाले, तो वो सब ऊपर ही है। तो कल का गेहूँ बहुत सारा आया हुआ है, तो मैंने मेट को लेकर ऊपर आ गई हूँ और क्लीन करवा के उसे रखवाऊंगी सारे गेहूँ को। और छत भी बिखरा है, तो सोचा कि चलो आज झाड़ू भी कर देती हूँ और करवा भी लेती हूँ, अकेले नहीं करूँगी क्योंकि बहुत धूप भी लग रही है। और एक बाथरूम दिखा रही हूँ जो कि मेरा स्टोर रूम है। बहुत शौक से बनवाया था इसे, लेकिन कोई इसे यूज ही नहीं करता है और काफी बड़ा है ये बाथरूम। मेरे घर में जितने बाथरूम है सबसे बड़े बाथरूम में यही आता है, तो इसको आज इसकी मरम्मत की बारी आई है। तो फिर चलिए लगती हूँ। ऊपर से जस्ट अभी आई हूँ और थक गई हूँ बहुत बुरी तरीके से, और एक ग्लास लिया है ग्लूकोज, बच्चों से मांगा है, और अभी 11 बज रहे हैं और सच में बहुत थक गई हूँ। किचन का मोर्चा आज भाभी संभाल रही हैं, तो फिर मैं बहुत दिनों से मैं सोच रही थी पता है ऊपर जाके क्लीन करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और मेड आई है, तो पहले सबसे पहले मैंने उसको काम लगाया कि यही काम करना है तुमको मेरे साथ, और थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा काम ऊपर हो गया। झाड़ू करना, बड़ी वाली झाड़ू लेकर चली गई थी, मेरे से लग नहीं रहा था, फिर छोटे वाले से मैं लगाई। गुनगुन तो कभी हेल्प ही नहीं करती है मम्मी की। करती तो, अभी तो लगा के आई हूं। हाँ नहीं नहीं झूठ बोले मम्मी बेटे, सॉरी। तो चलिए मैं पीने के बाद मिलती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता है कि आज क्या बना है नाश्ते में, खाने में क्या बनने वाला है। भाई बोले मैं करती हूँ। बाहर आ गई सोफा वोफा ठीक करने, क्योंकि आज पता है क्या हो रखा है, मन ही नहीं कर रहा नहाने का। काम बहुत ज्यादा हो गया था आज, अभी आधा से ज्यादा काम हुआ है, आधा बाकी है। तो चलिए अभी थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ ये सब फैला के रखे हुए बच्चे। अभी बच्चों का टेस्ट हो रहा था तो मैं उन लोगों के साथ बैठी थी, क्योंकि टेस्ट रहता है तो थोड़ी सी बैठ जाती हूँ, और सारे बच्चे टेस्ट दे रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगी मेरी, और उसके बाद काम भी जो है निपटाना, अभी नहाना बाकी सबसे बड़ी बात है। अब पूरी धूल धूल हो रखी हूँ, क्योंकि छत पे झाड़ू करने के बाद ना चारों तरफ से धूल धूल धूल, और पता है जाने के बाद फिर एक बार जाओ करो उससे अच्छा है कि गए हो तो कर ही के आ जाओ। और काफी दिन हो गए थे बंद, छत पे कोई जाता नहीं है तो बंद ही रहता है ज्यादातर, तो फिर तो चलिए बातें करने से ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। नहाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। आज सुबह से पता नहीं लाइट को क्या हो रखा है, लाइट ही नहीं है। जेंडर चलवा के जैसे तैसे कपड़े धोए हैं, उसके बाद पानी वानी सब मतलब इकट्ठा हुआ है, और अभी मैं पता है भूल गई थी कपड़े डालना, धूप बहुत ज्यादा हो रखी है, तो अभी कपड़े डाल देती हूँ उसके बाद ही नहाऊंगी, और यहीं पे आई हूँ। अभी देखती हूँ क्या करती हूँ, एकदम आज कंफ्यूज हो गई हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से, और कपड़े भर के पड़े हुए, लेकिन धूप में जाने का मन नहीं हो रहा है बिल्कुल। लेकिन नहाने के बाद तो और नहीं जा पाऊंगी, तो पहले कपड़े डाल ही देती हूँ उसके बाद ही कुछ करती हूँ। नहाना हो गया मेरा, अब जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि नाश्ते में मैंने ग्लूकोंडी ही बस लिया था और कुछ नहीं खाई, और भूख भी लग गई है, और ज्यादा कुछ बना नहीं है आज। जो भी बना है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं तो खाऊंगी माठा और चावल, हमारे यहाँ माठा भात बोलते हैं, तो आज मुझे वही खाने का मन कर रहा है, तो जा रही हूँ किचन में निकालूंगी और भाभी से पूछ लेती हूँ खाएंगी। तो आज मैं घर के दही का बनाऊंगी खुद से, नमक और जीरा डाल के। तो आप कि यहाँ क्या बोलते हैं, छाछ ही बोलते होंगे, पर मेरे यहाँ शुद्ध देसी भाषा माठा। ये रहा खाना, मैंने बारी बारी से सबको थाली पहुंचा के और लास्ट में लगा लिया अपने लिए। आज सब लोग बैठ के नीचे खाना खा रहे हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं और मैं भी नीचे ही बैठ रही हूँ, क्योंकि अच्छा लग रहा है। और गुनगुन आज चम्मच से नहीं बोल, मम्मी मुझे हाथ से खाना है, तो वो माठा चावल और भिंडी की सब्जी खाई है ना, उसे बहुत मन था हाथ से खाने का। तो चलिए मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, क्योंकि आज नाश्ता नहीं किया है मैंने, तो खाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। शुरू हो गई इन लोगों की मटर गश्ती खाना वाला खाने के बाद, दिन भर ऐसे परेशान करेंगे मुझे, दिन भर ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर मुझे रेस्ट करने को मिले, और कुछ भी नहीं। पिल्लो फाइट अगर किसी को, तो इन लोगों की तो मस्ती लगी रहेगी, और मैं भी थोड़ी देर खाने के बाद आ गई हूँ रश करने के लिए। देखती हूँ ये लोग सो रहे हैं कि मैं ही सो जाती हूँ। दोनों में से कोई तो एक होगा ही होगा, किसको गुनगुन सोना है कि नहीं बेटा? कभी नहीं। गयोक तुमको तो पक्का ही नहीं सोना है, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। किचन में आई हूँ और
पता है मैं भी सोई थी थोड़ी देर, युग नहीं सोया था और गुनगुन अभी सोई है। सोने के पहले बोल रही थी कि मम्मी मुझे हलवा खाना है, हलवा खाना है, तो अभी जस्ट जा रही हूँ जगाने। और अभी 5:30 हो रहे हैं तो मैं आई हूँ किचन में हलवा बनाने, और बच्चों को सूजी का हलवा बहुत पसंद है, तो युग को भी भूख लगी थी क्योंकि बहुत जल्दी ही आज खाना खा चुके थे 12 बजे, मतलब वो लोग खाना खा चुके थे 12 बजे, मैं थोड़ा सा लेट खाई थी, उन लोगों को खिलाने के बाद ही खाई थी खाना, तो मेरा तो ठीक है, अभी कोई टेंशन नहीं है। पर उन लोग के लिए, बच्चों के लिए मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, और बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, मैं आप लोगों के डिटेल में शेयर नहीं करूंगी क्योंकि बहुत बार किया है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है छोटी सी, और अभी मेड नहीं आई है बर्तन धोने के लिए, बस थोड़ी देर में आती होगी, तो चलिए हलवा बना के मिलती हूँ आप लोगों से। कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ, और वैसे भी पता है मुझे अपने हाथ का हलवा खुद अच्छा नहीं लगता, मुझे मम्मी के हाथ का सूजी का हलवा बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी बनाती है। मुझे नहीं पता कैसे बनाती है, लेकिन जो भी बनाती है उसके हाथों का मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, और माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं होता है। तो गुनगुन पता है नानी के यहाँ से ही सीख कर आई थी सूजी का हलवा खाना। वैसे तो मतलब मैं ज्यादातर बेसन का हलवा या फिर आटे का हलवा बनता है मेरे घर में, तो सूजी का हलवा जो भी खाई वो मेरे मायके से ही खा कर आई है, और मम्मी नानी की तरफ बनाओ। तो चलिए मैं कैमरा हाथ से पकड़े पकड़े नहीं रह सकती, तो लगा देती हूँ इसे ट्राइपॉड पे। बाहर आई कपड़ा उठाने, भीतर का जो भी काम है सब निपटाऊंगी, पूजा का बर्तन निकालना, कपड़ा निकालना और जो भी काम है, क्योंकि शाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है और काम बहुत सारे दिख रहे हैं। तो अभी तक मेड नहीं आई है, वो भी डर है कि आएगी भी कि नहीं आएगी। आदत छूट जाती है ना तो बहुत प्रॉब्लम होने लगती है सच में। एक तो आदत थी कि चलो आ रही है तो कोई टेंशन नहीं रहता, नहीं आ रही है तो भी कोई टेंशन नहीं था, अब आना स्टार्ट कर दी नहीं आएगी तो भी टेंशन है। तो चलिए कपड़ा उठा के मिलती हूँ। चलो ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, मैं बाहर आ गई हूँ लाइट चलाने के लिए, और बहुत गर्मी है यार, बहुत मतलब पूछो मत, इतनी ज्यादा गर्मी है कि, और शाम के 6:30 हो रहे हैं, और ये देखिए धूप से, धूप नहीं है थोड़ी सी है लेकिन फिर भी लग नहीं रहा है कि मतलब 6:30 हो रहे हैं, और मेरा सारा काम अभी मतलब जो भी शाम का काम था सारा निपट चुका है, और फिर रात की तैयारी स्टार्ट करनी है। लाइट मैं ऑन कर दूं, पर लाइट है नहीं अभी, नहीं है। और मैं इस तरफ आई तो मैंने सोचा कि चलो लाइट ऑन कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से इजाजत लूंगी जाने के लिए, क्योंकि आज मुझे नेक्स्ट ब्लॉग अभी तुरंत थोड़ी देर पहले से मतलब स्टार्ट करना है, तो मैंने सोचा कि चलो एक एंड करूंगी तभी तो दूसरा स्टार्ट करूंगी। मैं आप पता है आप लोगों से काफी दिन से कुछ बातें पूछना चाहती थी। दरअसल मैं ये पूछना चाहती थी कि आप, मैं अक्सर वीडियो डालती हूँ एक दिन के गैपिंग पे, जैसे आज अगर मैंने वीडियो बनाई है तो कल ये पोस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद परसों नहीं होगा, उसके बाद नेक्स्ट डे में ये मतलब दूसरी वीडियो जाएगी। अगर आप लोग कहोगे तो मैं डेली मतलब वीडियो बनाऊंगी और मतलब डेली भेजूंगी, तो जरूर कमेंट करके बताना कौन कौन चाहता है कि मैं डेली वीडियो करूं। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत लोग है मतलब ऐसे होते हैं जो पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी पूछती हूँ, देखती हूँ कि किसको किसको मेरी वीडियो मतलब वॉच करने की आदत है या फिर देखते हैं मेरी वीडियो को। तो चलिए काफी लंबा होता गया, सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, और फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी गुड नाइट नहीं कह सकती, ऐसे कह भी सकती हूँ, 7:45 हो रहे हैं, तो चलिए फिर बाय बाय।